हेलो फ्रेंड्स मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट बुक सेकंड ईयर की फर्स्ट बुक एम सी वन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर तो आज हम इसकी यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सीम्स आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका एक्सप्लेन बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी में तो सबसे पहले इसके अंदर हमें पता होना चाहिए क्या होता है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट वेयर मैनेजर क्रिएट डायरेक्ट द बेसिक फंक्शंस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गोल्स लेड डाउन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बिजनेस तो so, ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है मैनेजमेंट की जहाँ की मैनेजर आपके बेसिक फंक्शंस को करता है उन्हें मेंटेन करता है उन्हें डायरेक्शन देता है किसके लिए कि जिसके थ्रू उस बिजनेस के जो भी इकोनॉमिक गोल हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उनको पूरा किया जा सके उनको फुलफिल किया जा सके इट वरीज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब इनके कह सकते हैं जो गोल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर होते हैं उनके किस तरह के टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से होता है अब हो सकता है कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहां पर उसका जो मेन मोटिव होगा अपनी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना चैरिटी करना इस तरह के गोल होंगे लेकिन अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्निंग करना है तो अपनी प्रॉफिट पर फोकस करेगा तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग होते हैं द बेसिक पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोसाइटी इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस विद द प्राइम मोटिव टू अर्न तो अगर हम बेसिक पर्पस की बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका बेसिक पर्पस होता है सोसाइटी को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना जिसके थ्रू की वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सके अर्न कर सके टू तो प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन टू तो सूट द बेसिक्स एंड जनरल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इसमें क्या करते हैं वो गुड्स को सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं बेटर क्वालिटी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके जिसके थ्रू की वो कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके

वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होती हैं अब हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें बेसिक नीड्स पूरी करवाता है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें इलाइट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है तो नॉर्मली अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस की हमारी नीड्स हमारी डिज़ायर्स को पूरी करने में हमारी हेल्प करते हैं और इनका जो तो बेसिक पर्पज़ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के अंदर उनका बेसिक पर्पज़ होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना

कौन कौन से लेवल होते हैं मैनेजमेंट के और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर पूछा गया है कि वाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो नॉर्मली जो आपका मैनेजमेंट होता है तीन लेवल पे काम करता है टॉप लेवल मिडल लेवल और लोअर लेवल अब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल का होता है कितने टाइप्स का होता है तो वहां पर आप करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन तो होता है वो तीन लेवल पे काम करता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द जनरल मैनेजर तो ये सब किस में आते हैं टॉप मैनेजमेंट में आते हैं इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इट हेल्प्स इन सेटिंग द गोल्स एंड फॉर्मेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन

अंदर कौन कौन आते हैं आपके इस मिडल लेवल मैनेजमेंट में इसमें आते हैं आपके हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट जैसे सेल्स का head, का हेड हेड मार्केटिंग प्रोडक्शन का हेड इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी के हेड्स इसके अंदर आते हैं दूसरा होता है रीजनल मैनेजर्स नेक्स्ट होता है प्लांट मैनेजर्स एक तरफ देखते हैं हर तरह के अलग अलग यूनिट्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड फाइनेंस मैनेजर ब्रांच मैनेजर एक्सेट्रा इसके साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंटल और सेक्शनल हेड होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं जैसे आपके फाइनेंशियल मैनेजर है ब्रांच मैनेजर है आप मार्केटिंग मैनेजर कह सकते हैं ये सारे भी इसी के अंदर आते हैं एंड दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिट इंप्लीमेंटेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज किस रिस्पॉन्सिबल होता है कि टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज को बनाता है उन पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करना है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लेवल मैनेजमेंट द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेवल इज टू एग्जीक्यूट द प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड गोल्स सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्दर टू असाइन द ड्यूटिंग अमंग द जूनियर लेवल मैनेजर्स बाय गिविंग दम ने ट्रांजेक्शन इंस्ट्रक्शन

वो अच्छे से हुए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही होता है द मेन मेन फंक्शन फंक्शन ऑफ दिस लेवल लेवल इज टू टू गिव वर्कर्स एंड सुपरवाइज देयर वर्क इनका क्या होता है इस पर कि उनके जो भी वर्कर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दें और उनके वर्क को सुपरवाइज करें तो ये थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं नॉर्मली तीन तरह का मैनेजमेंट होता है हमारे पास तीन तरह के लेवल होते हैं एक कह सकते हैं टॉप लेवल मिडल लेवल और

और हमने बात करी कि अभी हमने इससे पहले बात करी थी कि हमारा फर्स्ट लेवल मैनेजर्स थे लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट में होता कि, तो मैनेजर्स ही होते हैं जो उनको संभालते हैं तो अब हम बात करेंगे डिस्क्राइब द फंक्शन क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सबसे पहला आपका जो फंक्शन आता है किसी भी मैनेजर का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो कहलाता है आपका प्लानिंग इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट्स दो to a definition of end and determination of appropriate means to achieve the defined needs it, it is the course of development by which a manager anticipates for anticipate the future and discover alternate courses of actions that is open to him किन पॉलिसीज पे वर्क करना है किन प्रोजेक्ट पे काम करना है मतलब हमारे जो भी हमारे गोल्स होते हैं उनको हम किस तरह पूरा कर सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी एक तरह से प्लानिंग होती है एक्टिविटीज होती है उन सभी को डिसाइड हमारा कौन करता है मैनेजर कि हम किस तरह की एक्टिविटीज को कर कर अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग इट इज द प्रोसेस बाय द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स आर डिटरमाइंड अब होता है जब हमने जॉब्स को तो डिस्क्राइब कर दिया कि हमारे पास ये जॉब्स होंगे ये ये काम करना है लेकिन अब उन काम्स को अपने कह सकते हैं ऑफिस के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड करना सब फंक्शन में बनाना उन्हें कि कौन किस काम को करेगा उसका क्या नेचर होगा या क्या साइज होगा किसी ग्रुप का अगर कोई काम करता है तो किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी उन सभी चीजों को भी हमारा मैनेजर ही डिसाइड करता है मतलब ये भी मैनेजर का ही फंक्शन है नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग अब स्टाफिंग की बात करें क्योंकि जब भी हम कोई भी मेरी नीड होती है रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स की तो हम वहाँ पर स्टाफिंग करते हैं एक तरह तो से भर्ती करते हैं तो किस तरह लोगों को भर्ती किया जाए किस तरह उन्हें ट्रेन किया जाए प्रमोट किया जाए और जो भी हमारे कह सकते हैं जो पुराने एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज हो चुकी है रिटायरमेंट की तो उनको किस तरह रिटायरमेंट दी जाए तो ये सारे काम एक तरह से कह सकते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो भी सारी एक्टिविटीज करता है हमारा मैनेजर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग हम डायरेक्टिंग के अंदर बात करें द प्रोसेस हेल्प इन गाइडिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबोर्डिनेट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल अब डायरेक्टिंग होता है कि हमारे जो सबोर्डिनेट्स हैं या हमारे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये जो हमारे जो भी कह सकते हैं सुपरवाइजर्स हैं हमारे वर्कर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके काम को उनकी परफॉर्मेंस को जज करना सुपरवाइज करना और उन्हें गाइड करना कि किस तरह हमारा जो एक कॉमन गोल है उसको हम अचीव कर सकें नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग के अंदर बात करेंगे द प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग आइडियाज टू अदर्स फॉर द ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट कम्युनिकेशन मतलब अब बात करेंगे कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के बीच में एक आइडियाज का फ्लो होना चाहिए इजीली जिसके थ्रू कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके अगर आप कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम बात करते हैं मार्केटिंग में नीड ज्यादा की थी लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिपार्ट, ने कम प्रोडक्शन किया या फिर हमारा जो तो सर्वे आया उस सर्वे समय जो डाटा आया प्रोडक्शन का उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपार्टमेंट नहीं कर पाया प्रोडक्शन उस चीज का तो कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है कम्युनिकेशन की कमी थी तो इस कमी को कौन पूरी करता, इसका काम करता, हमारा करता है इसका है हमारे पास, हमारे पास उसको अचीव करने के हमारे पास दो या तीन या कह सकते हैं कई तरह के मेथड होते हैं और उनको चूज कर कर ही हम अपने डिजायर गोल को अचीव करेंगे लेकिन अब ये सिलेक्शन कौन करेगा कि हमें किस मेथड्स का यूज करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए ये काम भी हमारा मैनेजर करता है मतलब सिर्फ तो तो डिसीजन मेकिंग के वर्क होते हैं कई बार बिजनेस में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि हमारे पास दोनों परस्पेक्टिव से सही होते हैं वहां पर हमारे पास डलेमा भी हम फोस कह सकते हैं फेस करते हैं तो उस डलेमा में किस तरह के डिसीजन को ले ये काम भी हमारा मैनेजर का होता है और लास्ट स्टेप आपका लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब है कि हमारा जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है उसके लिए जो भी परफॉर्मेंस करी जा रही है उसमें जो एक्टिविटीज है क्या उसमें कोई हमारे कह सकते हैं वेस्टेज तो नहीं हो रही अगर वेस्टेज हो रही है तो कितनी हो रही है उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं किस तरह हम अपने वर्क को नॉर्मल वर्क से स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा सकते हैं किस तरह अगर हमारा कोई वर्क हो रहा है वहां पर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं कंट्रेक्टिव एक्शन ले सकते हैं तो ये हमारे फंक्शंस थे मैनेजर के नेक्स्ट है हाउ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली डेज कि आपका जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह डिफरेंट है आपके ट्रेडिशनल या अर्ली डेज ऑर्गेनाइजेशन से तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पॉइंट है इनको आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफाइन द कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपका पॉइंट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज था क्योंकि अगर हम पहले बात कर रहे हैं अर्ली डेज की या ट्रेडिशनल टाइम की तो उस टाइम सारा वर्क हम ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू क्या करते तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज था वो बड़ा था लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम ह्यूमन की रिसोर्सिजन मशीन के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं डिपेंड हो रहे हैं तो अब जो भी साइज है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिक्रीज होता जा रहा है स्मॉल होता जा रहा है कंपेरिजन टू अर्ली डेज नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिशन इन द मार्केट देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ड्यू टू अवेयरनेस एंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मोर कंपनीज प्रोडक्ट इन इन द द मार्केट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज गिवन राइज टू इंक्रीज अवेयर अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो चुका है मार्केट के अंदर क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी आती जा रही है और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है उसको इंक्रीज करती है आपके कंपटीशन लेवल को भी बढ़ाती है लेकिन हमारे जो अर्ली डेज थे वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं था ना ही वहाँ पर इतनी मशीनरी का यूज़ हुआ करता नेक्स्ट है कॉलिब्रेटिंग विद मल्टीनेशनल कंपनीज अब जो हमारी ट्रेडिशनल कंपनीज थी वो उनका ये नहीं था कि वो अपने आप को कॉलिब्रेट क्या करती या कंबाइन क्या, क्या करती किसी ऐसी फॉर्म में मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आज की जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका मेन फोकस होता है कि किस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके किस तरह अपने अपने आप को हम एडवांस बनाए किस तरह आपने आपको अपने आप को एक्सपेंशन करें अपना एक्सपेंशन करें अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपनी फंडिंग का या अपनी टेक्नोलॉजी का तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं ये कोलिब्रेट कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अपने नाम को बढ़ाने के लिए अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें अर्ली डेज की बात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उस टाइम पे या हमारा जो का सिस्टम था ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था नेक्स्ट आपका पॉलिसी एंड नॉर्म्स ऑफ फंक्शनिंग नाउ द पॉलिसीज एंड नॉर्म्स आर मोर फ्लेक्सीबल बिफोर एज दे आर सब्जेक्ट टू एनी चेंज रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो आज के टाइम अगर हम बात करें पॉलिसीज की नॉर्म्स की तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं क्योंकि हर कंट्री गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो एम्प्लॉयमेंट बढ़े उनका फॉरन एक्सचेंज बढ़े तो आज के टाइम में जो भी हमारी पॉलिसीज नॉर्म्स उनको बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अगर हम पास्ट डेज की बात करें अर्ली डेज की बात करें ट्रेडिशनल टाइम की बात करें तो वहां पर जो भी पॉलिसीज थी जो भी कह सकते हैं नॉर्म्स थे बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिगिट थे और फिक्स थे मतलब वो फिक्स हो जाया करते आपके एक साल के लिए आप एक साल के बीच में उन नॉर्म्स को उन पॉलिसीज को बदल नहीं सकते थे नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं मशीन बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज होएगा तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका एम्प्लॉयमेंट है मैन पावर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और इसकी जगह कौन ले रहे हैं आपकी मशीन पावर ले रही है और अगर हम ट्रेडिशनल की बात कर लें अर्ली डेज की बात करें तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट था वो ज्यादा हुआ करता क्योंकि वहां पर मशीन वर्क कम था तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का कम है और ह्यूमन रिसोर्स की जगह यहां पर हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉय हायर भी करे जाते हैं वो सिर्फ जो टेक्निकल क्वालिफाइड एम्प्लॉयड होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है क्योंकि यहां पर हम मेन फोकस करते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन की लेकिन पहले हम किस पर फोकस क्या करते हैं सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इसके बाद आता है आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट अब ड्यू टू एडवांस इन द टेक्नोलॉजी मोर ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड देन बिफोर वेयर हैज द ओल्डन

तो वो सारा बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाया करता था तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह के टेक्निकल नीड की टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम हम जब रिक्रूटमेंट करते थे तो हम देखते थे कि जिस बंदे की हैंड राइटिंग अच्छी हो जिसको कह सकते हैं एक एजुकेशनल नॉलेज हो इन एंट्रीज़ का इन ट्रांजेक्शन्स का हम उसको हायर किया करते हैं लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो भी अब इस काम को करेगा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आएगा हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट हो मशीन्स को यूज़ करना जानता हो मशीनस के ऊपर वर्क करना जानता हो

तो अब हमारे पास क्या कि हमारी जितनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी जितनी हम इस स्ट्रांग होंगे उतना ही हम फोकस करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के उपर, अपने के ऊपर ऊपर अपने अपने यूज हमारे लाइफ स्टैंडर्ड के ऊपर और जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह के प्रोडक्ट को बनाएगा उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा जिसके ऊपर कस्टमर्स नॉर्मल पब्लिक फोकस करेंगे तो पहले क्या हुआ करता कि पहले सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं देते दे थे वो सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस दिया करता हमारे अर्ली डेज के ऑर्गे में लेकिन हमारे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर फोकस दिया जाता है कि हम किस तरह अपनी लिविंग जो स्टैंडर्ड है मॉडर्न सोसाइटी का उसको किस तरह रेस कर सके किस तरह उसको अच्छा बना सके उस, किस तरह उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके हम प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की नेक्स्ट आपका क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हैव बीन सेट बाय द मैनेजमेंट टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लिमिट एंड बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब बात करेंगे हम स्टैंडर्ड्स के बारे में तो पहले कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं रहा करता हमारी क्वालिटी से रिलेटेड कि हमें इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना ही बनाना है लेकिन आज के अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेब्लिश कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से रिलेटेड जैसे तो क्या होता है कि उनका फिर जो एक बजट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उस बजट के अंदर रहकर किस तरह उस काम को करेंगे वो सब उन्हें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है क्रॉस नहीं करते क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ यही बात बोल दी जाए कि आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की क्वालिटी डेवलप करेंगे बनाएंगे जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के बजट से बाहर होगी तो उन्हें बजट का भी ध्यान देना होता है और क्वालिटी कंट्रोल भी होती है नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ मिडल एंड जूनियर मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग अब अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें अर्ली डेज की बात करें तो वहां पर जो टॉप मैनेजमेंट हुआ करता टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ करता सिर्फ वही सारे डिसीजन लिया करता या उसके बाद जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हुआ करती वही सब लिया करता लेकिन अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कह सकते हैं हम इक्वल वेटेज दी जाती है इक्वल वैल्यू दी जाती है किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर ये नहीं है कि पहले जिस तरह हुआ करता है ट्रेडिशनल में कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन लेगा अब आपके जो भी मीडियल मिडल या आपके जूनियर लेवल मैनेजमेंट है उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है कि किस तरह को डिसीजन को अच्छे से अच्छा ले सके नेक्स्ट आपका बिजनेस एथिक्स मॉडर्न बिजनेस एथिक्स हैव चेंज अ देन बिफोर इट इज मोर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड क्वालिटी देन द ओनली टू प्रोवाइड प्रॉफिट मोटिव एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइन टू प्रोमोट एंड प्रोडक्ट एंड मेक इट पॉपुलर अब बिजनेस एथिक्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं टाइम के साथ चेंज हो चुके हैं जैसे जैसे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है हम क्वालिटी की जगह फोकस कर रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरह बढ़ाया जाए क्योंकि पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनका वो करते थे कि हाँ हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है गुड्स प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को अपनी कह सकते हैं नेशन को लेकिन आज का जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन फोकस है प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग क्या है प्रोडक्ट क्या बनाते हैं उस पर फोकस नहीं होता इनका लेकिन उसका किस तरह एडवर्टाइजमेंट करना है कंज्यूमर्स के बीच में मार्केट के बीच में कि उसको किस तरह उसका डिजाइन करें एडवर्टाइजमेंट का कि ज्यादा ज्यादा से उसको प्रमोट किया जा सके और उसको पॉपुलर बनाया जा सके तो ये था हमारा किस तरह मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है हमारे अर्ली डेज से ये इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बेसिक फीचर्स क्या है तो यहां हमारे पास पार्ट पांच कह सकते हैं एजुकेशनस्ट के हमारे पास या पांच इकोनॉमिस्ट के हमारे पास फीचर्स हैं जो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग दिए तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो यहां पर हम पांच तरह के पर्सन को यहां पर देखेंगे कि इन्होंने अपने क्या क्या फीचर्स दिए हैं अगर इनमें किसी का नाम आ जाता है तो नाम आएगा आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय हिस्स या कह या फीचर्स गिवन बाय रॉबिन्स तो अगर किसी का नाम लेके आता है तो वो शॉर्ट नोट्स में आएगा फिर तो आपको इनके एग्जैक्ट लिखने हैं पॉइंट्स लेकिन अगर आता है सिर्फ कि डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं उसके फीचर्स में लिखने के लिए तो बात करेंगे सबसे पहला द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन बाय बायिन्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर्स विच इम्प्लाइज द मैनेजमेंट इज एन इंपोर्टेंट एंड इंटीग्रियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कहा है, इनका तो पहला फीचर ऑर्गेनाइजन इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल करता है मैनेजर और कह सकते हैं विच इम्प्लॉज द मैनेजमेंट इज एन अम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो तो मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंटीग्रियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है कौन कोर्डिनेट करता है आपके मैनेजर इसीलिए इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा फीचर इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ फ्लेक्सिबल विद इन डेफिनेट डेफिनेबल बाउंड्री ईच एंड एवरी लेयर इज मैंडेड एंड कंट्रोल प्रोपरली तो इसकी जितनी भी लेयर होती है कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ फ्लेक्सिबल बेफिनेबल बाउंड्री

लोअर लेवल अब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट लोअर लेवल अपर लेवल अपर से बात करेगा से करेगा करेगा कोऑर्डिनेशन क्योंकि जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या है टॉप मिड और फिर लोअर तो लोअर लेवल जो है वो पहले मिड लेवल पे बात करेगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंट्रेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी काम करता है नेक्स्ट आपका टू मीट द फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज यहाँ पर हमारी कह सकते हैं जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम किस तरह पूरी कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के थ्रू तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को पूरी करेगा की नीड्स पूरी होंगी तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट है द पर्सनल इंटरेक्शन की इंट्रेक्शन लॉट ऑफ अचीविंग द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो हेल्प करता है अचीवमेंट करने के लिए अचीव करने के लिए आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को

अथॉरिटी तो ये हमारी फीचर्स थे जो कि ये ने दिए डिवीजन ऑफ वर्क के के अंदर के अंदर लेबर बात करेंगे कि हर तरह के डिपार्टमेंट को एक अलग अलग वर्क का डिवीजन कर दिया जाता है कि आपको प्रोडक्शन करना है आपको मार्केटिंग करनी है आपको पैकिंग करनी है और दूसरा होता है हायर की ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी के अंदर बात करते हैं कि हर एक लेवल पर जो मैनेजमेंट होता है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको एक पावर दे दी जाती है कि अगर ये वर्क नहीं हुआ तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे या इस वर्क को जो भी इसके लिए नेसेसरी एक्शंस होते हैं उनके लिए भी आप ही होंगे एक तो सिर्फ पावर दे दी जाती है अथॉरिटी दे दी जाती है अलग अलग लेवल पर नेक्स्ट है स्टोनर फ्रीमैन एंड गिलबर्ट इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन क्या है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन नेक्स्ट है ईच एंड एवरी पर्सन इज रिलेट थ्रू द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन होते, होते हैं थ्रू द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल है मिडल लेवल है लोअर लेवल है या फिर जो भी कहते हैं लेबर है वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता लास्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू अचीव प्लेन गोल विच में सिंगर और प्लोरल तो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है हमारे प्लान गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है वो आपके जो गोल थे वो सिंगुलर हो प्रूर हो या किसी भी तरह के गोल हो लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ही है उन गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है और लास्ट फीचर्स हमें किसने दिए थे ब्राउन एंड मोबर्ग ने तो इनके अकॉर्डिंग जो फीचर्स हैं फर्स्ट फीचर है इट इज अ परमानेंट सोशल एंटिटीज विल विल विद मैनी चेंजेस विच माइट बी टेकिंग प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन

various वर्क एक्टिविटीज एंड नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन the बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ the बिजनेस एक्टिविटी इन प्रोसेस तो हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम सभी एक्टिविटीज को करते हैं उनको एक साथ लेके आते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं बिजनेस की गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी होती है उनके स्ट्रक्चर को मैंटेन करने के लिए जरूरी होती है जिसके अंदर हम उन सभी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आते हैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरी करने के लिए जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कम्पल्सरी होती है तो यहाँ पर करीब करीब हमने पंद्रह से सोलह हमने पॉइंट्स देखे फीचर्स देखे जो कि अलग अलग राइटर्स ने दिए हैं तो अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप इनमें से किन्हीं भी दस को या पांच पॉइंट्स को वहां पर लिख सकते हैं जो कि आपको इजी लगे या अगर किसी नाम किसी का स्पेसिफिक नाम मेंशन कर कर आता है तो आपको उसी के फीचर्स लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट है आपका रोल्स ऑफ मैनेजर्स कि अब आपके मैनेजर्स के रोल्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपके जो तो मैनेजर्स के रोल होते हैं तीन तरह के रोल्स होते हैं मैनेजर्स के एक होता है आपका इंटरपर्सनल रोल दूसरा होता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल्स और तीसरा होता है डिसीजनल रोल्स अब अगर हम बात करेंगे इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में अब इंटरपर्सनल के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है एक होता है लीडिंग दूसरा होता है लाइसेंस और तीसरा होता है

किस तरह अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्शन दी जाए डायरेक्ट किया जाए ये सारे काम किसके होते हैं मैनेजर के तो एक तरह से कह सकते हैं ये इंटरपर्सनल रोल होता है हमारे मैनेजर का जिसे कि हम लीडिंग कहते हैं इस लीड करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जिसके थ्रू की वो अपनी जो भी एक उनका गोल है उसको पूरा कर सके दूसरा होता है लाइसेंस अब लाइसेंस के अंदर बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे की सारी एक्टिविटीज वो खुद ही पूरी कर लेता है

जो जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स को उनके साथ किस तरह रिलेशनशिप को बिल्ड करना है तो वो काम भी हमारा कौन करता है मैनेजर कर, करता है तीसरा होता है सिंबल फिगर हेड सिंबल फिगर हेड की बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अपने आप एक छवि होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज कहलाता है वो तो उसे अपनी इमेज को भी इंप्रूव करना होता है अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे कि गूगल की तो गूगल को सीधा बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो गूगल के बारे में इतना नहीं जानते लेकिन सुंदर पिचाई के बारे में हर कोई जानता है कि उसके तो लेवल का है या जो है, है। तो कहीं ना कहीं हम सुंदर पिचाई की इमेज को भी गूगल के साथ जोड़कर देखते हैं तो यही देखा जाता है कि आपका जो एक मैनेजर होता है टॉप तो मैनेजमेंट होता है वो एक सिंबल होता है किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो उसे जो भी अपनी देखते हैं कि वो अपने किस तरह अपनी इमेज को इम्प्रूव करे जिसका इफेक्ट जिसका कह सकते हैं जो एक प्रॉफिट मिले उस ऑर्गेनाइजेशन को अब दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल रोल्स अब इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर हम बात करेंगे तीन तरह के रोल होते हैं जो आपके मैनेजर के होते हैं पहला होता है मॉनिटरिंग दूसरा होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन और तीसरा होता है स्पोक्स पर्सन अब अगर मॉनिटरिंग की बात करें अ मैनेजर एक्ट्स अ नर्व सेंटर फॉर रिसीविंग ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन थ्रू द रोल ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजर रिसीव इन्फॉर्मेशन द मैनेजर तो कह सकते हैं हमारी किस तरह, करना है, उसको कि तरह बेनिफिट उठाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो काम किसका होता है हमारे मैनेजर का होता है एक तरह से मोनिटरिंग मतलब सारी हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उनको मॉनिटर करना और जो उनके लिए बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करना दूसरा होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं चाहे एक्सटर्नल हो हो इंटरनल हो, किस तरह वर्क को करना है कोई सर्कुलर आया है कोई कोई नोटिस आया है या कोई है या ऑफिस ऑर्डर तो उस सारी इंफॉर्मेश को अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने सबोर्डिनेट्स के साथ शेयर करना ये भी काम होता है हमारे मैनेजर्स का नेक्स्ट होता है आपका स्पोक्स पर्सन एज अ स्पोक्स पर्सन मैनेजर इज ऑथोराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स The 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 share informations with outsiders about plans, strategies, and future direction of the organization. The sharing of information may be through conference, meeting, द प्रेस बोर्ड मीटिंग इंटरव्यू एक्सेट्रा अब स्पोक्स पर्सन की मतलब बात करेंगे मैनेजर तो का वर्क होता है कि अपनी शेयर इंफॉर्मेश को जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है उनसे किस तरह अपने इन्फॉर्मेश को शेयर करना उन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना अपने फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बताना अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना जिसके थ्रू की जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जो शेयर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहे तो इसके लिए वो मीटिंग कर सकते हैं प्रेस कर सकते हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है इंटरव्यू के थ्रू अपने इन्फॉर्मेश को पब्लिश कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए शेयर इन्फॉर्मेश के लिए और लास्ट होता है डिसीजनल रोल डिसीजनल रोल के अंदर बात करेंगे इसमें टोटल चार तरह के काम होते हैं हमारे मैनेजर के पहला होता है टेकिंग इनिशिएटिव दूसरा होता है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट तीसरा होता है एलोकेटिंग रिसोर्स नेगोशिएटिंग और लास्ट रोल होता है नेगोशिएटिंग अब टेकिंग इनिशिएटिव के अंदर बात करेंगे कि हमारा जो तो मैनेजर होता है कह सकते हैं इनिशिएटिव लेता है हर तरह के वर्क को किसी भी अगर कोई नया वर्क आया है कोई नई प्रोसेस आई है एक्टिविटीज आई है तो उसको किस तरह करा जाएगा उसके लिए जो एक लीडर होता है उसको जो इनिशिएटिव लेता है वो हमारा मैनेजर ही लेता है क्योंकि मैनेजर एनालाइज करता है कि फ्यूचर में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है क्या हमारे पास कॉम्पिटिशन होगा क्या हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है वीकनेस और उन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो मैनेजर होता है वो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करता है अपनी अपॉर्चुनिटीज को विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रीनर स्किल्स तो कोई भी अगर कोई नया वर्क होता है कोई भी कह सकते हैं काम होता है इनिशिएटिव लेना होता है तो वो हमारा मैनेजर ही लेता है दूसरा है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट अब ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी जरूर होंगे हमारे सबोर्डिनेट्स के बीच में क्योंकि जरूरी नहीं है जितने भी सबोर्डिनेट्स हैं उन सभी के बीच में एक हेल्थी इन्वायरमेंट हो हेल्थी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो तो उन सभी के बीच में जो भी उनके डिसएग्रीमेंट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन सभी को दूर करने का काम भी उनके डिससेटिस्फेक्शन को भी कम करने का काम कि जिसके थ्रू उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है एक स्मूथ वे में चल सके तो उनके कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना या उनको डिस्टर्बेंस को हटाना वहां से ये सभी काम किसके होते हैं हमारे मैनेजर्स के होते हैं इसके थ्रू बात कर सकते हैं वो क्या क्या करते हैं मीटिंग्स ले सकते हैं रिव्यू सेशंस ले सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग करवा सकते हैं ग्रेवेंस हैंडलिंग मशीनरी का वो कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट होता है एलोकोटिंग एलोकेटिंग रिसोर्स अ मैनेजर इज द कस्टोडियन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज

हमारे मैनेजर को देखना होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने बजट की नीड है क्या रिसोर्स उसे चाहिए अगर उसे रिसोर्स चाहिए तो किस तरह एथोराइज किया जाए किस तरह सेंक्शन किया जाए उस रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि रिसोर्स तो ऑर्गेनाइजेशन के पास है लेकिन वो किस तरह डिवीजन डि, डि, किया जाए उसका अलग अलग कह सकते हैं ब्रांच के अंदर पार्ट के अंदर या अलग अलग सबोर्डिनेट्स को डिपार्टमेंट्स के अंदर कि हम उन सभी रिसोर्सेज का एक तरह से ऑप्टिमम वे में यूज कर सकें उनका जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का तो वो काम भी हमारा कौन करता है मैनेजर करता है और लास्ट पॉइंट होता है आपका नेगोशिएटिंग नेगोशिएटिंग इज एन पार्ट ऑफ मैनेजर मैनेजर हैज नेगोशिएट विद इंटरनल ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू राइट्स बेनिफिट्स एंड शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू तो हमारा जो मैनेजर होता है कई बार उसे नेगोशिएट करना पड़ता है अपने इंटरनल एम्प्लॉय से मैटर्स रिलेटेड टू राइट्स बेनिफिट्स एंड शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू दिस इज डन थ्रू इंटरनल बार्गेनिंग

तो वहां पर भी नेगोशिएटिंग होती है तो मतलब अगर कोई इंटरनल है एक्सटर्नल है वहां पर कहीं भी अगर नेगोशिएशन की बात आती है तो वो काम भी हमारा कौन करता है मैनेजर करता है तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वन के आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मैक्सिमम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं आज तक या बार बार रिपीट हुए हैं तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नहीं तो अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स को आपकी क्वायरीज को ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर और इसके साथ ही साथ आपको इग्नू के जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आई पर मिल जाएंगे तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय फ्रेंड्स